डियर, आप देख रहे हैं नजर टुडे। हम अपने अपराध के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं कुछ सुलझी और अनसुलझी खबरों को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में क्राइम लगातार ही बढ़ता जा रहा है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम देते हैं। पुलिस और हम हमेशा खड़े ही देखते रह जाते हैं। ऐसी ही घटनाओं को आज हम फिर से आपको एक बार दिखाएंगे। झारखंड की राजधानी रांची से एक हैरान कर देने वाला मामला हमारे सामने आया, जहां एक घर से 70 वर्षीय अमेरिकी नागरिक का शव पंखे से लटका पाया गया। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर तमाम पुलिस अधिकारी पहुंचे और शव को बरामद कर मृतक की पहचान कर जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह मामला सुसाइड का लग रहा था, क्योंकि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला। अमेरिका में रहती पत्नी खुद कनाडा का रहने वाला था। दरअसल यह घटना रांची के मैकुलिसगंज इलाके के एक घर से सामने आई है, जहां मार्कोस लेथर डेल का शव फंदे से लटका मिला। जांच में सामने आया कि यह शख्स नवंबर 2021 से इस मकान में किराए पर रह रहा था। पुलिस के मुताबिक मार्कोस लेथर डेल मूल रूप से कनाडा का रहने वाला था, लेकिन उसने अमेरिकी नागरिकता भी ले रखी थी। वहीं मार्कोस की पूर्व पत्नी अमेरिका में रहती थी, जिसे मार्कोस ने तलाक दे दिया था। मरने से पहले विदेशी युवक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है। वहीं इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए खलारी के पुलिस उप अधीक्षक अनिमेश नेथानी ने बताया है कि मृतक के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार किसी को नहीं बताया, लेकिन पुलिस हैंडराइटिंग मिलाएगी ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके। वहीं मार्कोस की मौत की सूचना कनाडा और अमेरिका दूतावास को भी दे दी गई है। वहीं पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। मार्कोस के दोस्त ने पूरी कहानी बताई है। इस मामले में मार्कोस लेथरडेल को जानने वाले कैलाश यादव नाम के शख्स ने बताया है कि मार्कोस उनके अच्छे परिचित थे। वह 2021 से अपने परिचित के गेस्ट हाउस में रह रहे थे। इस दौरान यह विदेश भी आया जाया करते थे। इतना ही नहीं, शनिवार को मार्कोस की पूर्व पत्नी ने अमेरिका से फ़ोन करके कैलाश को बताया कि मार्कोस की सेहत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सुबह उनका शव फंदे से लटका मिला। मेरठ के ब्रह्मपुरी में रविवार दोपहर एक युवक की चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते बीच सड़क पर युवक पर चाकू के वार किए गए, उसके बाद युवक सड़क पर गिर गया। घटना के समय आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, मगर कातिल बेरहमी से चाकू मारता रहा। इतना ही नहीं, कातिलों ने युवक के भी सड़क पर ही गर्दन भी काट दी। इसके बाद भी युवक की सांस चल रही थी। इस पर कातिलों ने उसकी कब्र में चाकू घोंप दिए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में घायल को अस्पताल लेकर पहुंची। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। साजिद की हत्या के मामले में 3 नाम सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि साजिद का अपने चाचा जावेद और शहजाद से शनिवार रात विवाद हुआ था। यह विवाद संपत्ति को लेकर हुआ था। रविवार को साजिद के चाचा जावेद ने शहजाद और एक अन्य के साथ मिलकर चाकुओं से हमला कर दिया। रंजिश के चलते हुई हत्या, क्षेत्र के लोग आरोपियों को साजिद पर हमला करते हुए देखते रहे, मगर कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका और ना ही किसी ने पकड़ने का प्रयास किया। क्षेत्र के लोग आरोपियों को साजिद पर हमला करते हुए देखते रहे मगर कोई उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं कर सका और ना ही किसी ने पकड़ने का प्रयास किया। निशानी गेट थाना क्षेत्र के फिरोज नगर में साजिद पुत्र यूनुस रहता था। रविवार को वह किसी काम से ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित इत्तफाक नगर गया हुआ था। इसी दौरान पीछे से आए हुए 3 युवकों ने साजिद को पकड़कर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू लगने से साजिद गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद भी जब घायल साजिद ने उठने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसको जिंदा देखकर फिर चाकू से हमला किया और मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। जिस जगह हत्या हुई है वहां ई रिक्शा चालक भी था, 2 अन्य किशोर भी खड़े थे। अगर लोग बचाने के लिए दौड़ते तो युवक को बचाया जा सकता था। हत्या करने वाले की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उधर एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि ब्रह्मपुरी की घटना में जांच में आया है कि सगे चाचाओं ने भतीजे साजिद के साथ मारपीट की है, चाकू से हमला किया है। सीसीटीवी फुटेज से यह पता चला है। आसपास के लोगों ने भी बचाने का प्रयास नहीं किया। पुलिस को सूचना दी गई। अस्पताल ले जाते समय युवक की मौत हो गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई हैं। जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए 5 साल के बच्चे का उसके चाचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण कर लिया। इस घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही खुलासा करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 23 अप्रैल को 5 साल के बच्चे का अपहरण जिले के मातगुमा थाना क्षेत्र से किया गया था। इस मामले में पुलिस ने बच्चे के चाचा सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस अपहरण की वारदात को लेकर आरोपी मुकेश कुशवाहा निवासी ग्राम ब्यादापुरवा, राजू कुशवाहा निवासी ग्राम ब्यादापुरवा से पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ की गई है। बिहार बच्चों को किडनैप करने के बाद किन्नर बनाने वाले गैंग का भी पर्दाफाश हुआ है। पुलिस के हत्थे चढ़ा सरगना पूछताछ में मुकेश ने अपने दोस्त और राजू कुशवाहा बैरानू कुशवाहा निवासी राजनगर के साथ मिलकर अपने भतीजे 5 साल के अभिषेक पुत्र लक्ष्मण कुशवाहा निवासी ब्यादापुरवा का 5 लाख की राशि के लिए अपहरण करना स्वीकार कर लिया है। मुकेश ने पुलिस को बताया है कि उसके चचेरे भाई लक्ष्मण को ससुराल से जमीन मिली थी, जिससे उसके पास काफ़ी पैसा हो गया है। लक्ष्मण के लड़के का अपहरण करने की साजिश पिछले 6 माह से राजू और रानू के साथ मिलकर मुकेश ने बनाई थी। तो ये थी कुछ ऐसी घटनाएं जिनको अपराधियों ने बड़े ही बेखौफ होकर अंजाम दिया। कुछ सुलझ गई हैं, कुछ अभी अनसुलझी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नज़र टुडे। नमस्कार।